आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 6वीं अनुसूची संविधान की जो हमारी 6वीं अनुसूची है, ये काफी चर्चा में बनी हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, क्यों चर्चा में है और आखिर में इसमें कहा क्या गया है सभी जानेंगे, ठीक है। लेकिन एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एक तरह से लिखित संविधान। अगर सबसे पहले संविधान बनने की बात करें तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना था, ठीक है। आप देखेंगे कि मूल रूप से जब 1949 की बात कर रहा हूं तो इसमें आपका 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान की बात करें हम लोग तो इसमें आपको 22 भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन जो 8 अनुसूचियां थी ये हो गई 12। कितनी हो गई? 12, ठीक है। और आप सभी को एक बात और मालूम होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे आप लोग मिनी संविधान कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पर इसमें संशोधन किया गया था। आपातकाल की बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी के समय की। और याद रखिए, इसमें अगर सभी अनुसूचियों की एक सामान्य जानकारी दें तो पहली अनुसूची इसमें देखेंगे आप लोग कि राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का आदि का उल्लेख किया गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल साहब हो गए, फिर लोकसभा के अध्यक्ष साहब हो गए, उपाध्यक्ष साहब हो गए, इस तरह की सबकी, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा की, जो भी प्रतिज्ञा ली जाती है उससे संबंधित है। और जो चौथी यानी कि फोर्थ नंबर की आपकी अनुसूची है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है उससे संबंधित है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है या 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 4वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 5वीं अनुसूची की बात करें हम लोग तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बंद करती है। 6वीं अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है। 7वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है, इसमें जो आपकी विषयों की बंटवारा है ना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसका बंटवारा किया गया है। और आप सभी जानते होंगे संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार, और संवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में टकराव है तो आपके केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो आप देखेंगे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आपकी जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनकी बात की गई है। पहले क्या थी इसमें कि आपकी 14 थी, फिर आपने देखा होगा कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया, फिर आपने देखा होगा कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया गया, फिर आपने देखा होगा कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया। इस तरह आप 22 हो गई हैं आपकी, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार, जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित व्यवस्था की गई है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका 52वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, ये भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की व्यवस्था की गई है, शक्तियों की, ठीक है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियों की बात की गई है। ये है आपकी 12 अनुसूची। तो इनके बारे में विशेष तौर पर आपको याद रखना होगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि कम से कम आप लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए पुराने, उसमें आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पर। हाल ही में मेघालय के खासी छात्र संघ के सदस्यों ने मेघालय में बसे सभी बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित किया है। इसके चलते कुछ विद्वानों ने मेघालय को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने का सुझाव दिया है। मेघालय की बात कर रहा हूं, यहां देखें ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें जैसे ही आप लोग जाएंगे तो ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और नीचे आपको लक्षद्वीप सागर, अरब सागर देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी भी देखने को मिल रही है, और इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे, ये आपका पड़ोसी म्यांमार हो गया, जैसे आप लोग बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और ये आपका प्यारा भारत है। नई दिल्ली आपकी राजधानी हो गई, क्या हो गई? राजधानी हो गई। यहाँ आप जाएंगे पूर्वी भारत में तो आपको मेघालय देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? मेघालय।
और इसकी राजधानी की बात करें तो आपको शिलोंग देखने को मिलेगी, क्या शिलोंग। और इसकी स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को, देखिए इसकी राजधानी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिए राज्यसभा सीट एक है यहाँ, लोकसभा सीट दो है, और जो आपकी लोग एक तरह से विधानसभा सीटें होती हैं वो 60 हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार अगर चर्चा में कोई स्टेट है तो उसके बारे में पूछ लेता है, अगर आप मेघालय से हैं तो फिर आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। पहाड़ी राज्य मेघालय पिछले काफी समय से सांप्रदायिक हिंसा की लहरों और एक असहज शांति के बीच झूलता रहा है, जिसमें यहाँ के खासी छात्र संघ का भी हाथ रहा है। इस संगठन पर पिछले लंबे समय से राज्य में गैर आदिवासियों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, और हाल ही में इस संगठन ने मेघालय में बसे सभी बंगालियों को बांग्लादेशी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त यह राज्य में आने वाले बाहरी लोगों को विनियमित करने के लिए इनर लाइन परमिट के लिए एक आंदोलन की अगुवाई भी कर रहा है कि बाहर से कोई अगर लोग आता है तो इन्हें एक तरह से इनर लाइन परमिट लेना होगा हमारे यहाँ आने का। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मेघालय सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में अशांति के चलते भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर गहरा धक्का लग सकता है। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि इसी तरह का नागालैंड में आपने देखा होगा विद्रोह, एक तरह से देश से बाहर होने की बात कह दी उन्होंने, तो स्वतंत्र होने की बात की है, समझ रहे हैं आप लोग। मेघालय जैसे राज्यों में इनर लाइन परमिट की मांग पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। आईएलपी पर्यटकों को इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य मेघालय से अलग कर सकती है, जहां पर्यटन उद्योग आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसके साथ ही यह मांग निवेशकों में भी अरुचि पैदा कर सकती है, जबकि मेघालय के विकास हेतु इनकी अति आवश्यक है। और एक बात आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान आपका पर्यटकों का भी है, जो लोग बाहर से घूमने आते हैं या देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप लोग उसकी बात कर रहा हूं मैं। इससे आप देखते होंगे पर्यटकों से कई लोगों को जॉब भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है। मेघालय राज्य में हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाला पर्यटन उद्योग महामारी की चपेट में आ चुका है। ऐसे में यदि खासी छात्र संघ जैसे संगठनों की वजह से राज्य में और अशांति पैदा होती है तो यह काफी चिंताजनक भी है, जो आगे चलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाएगा। आखिर क्या कहा गया है 6ठी अनुसूची में, 6th जो आपकी शेड्यूल है, इसमें क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत मेघालय सहित असम, मिजोरम, त्रिपुरा में एक अनूठी प्रशासनिक संरचना है। इन दो चार राज्यों को आपको याद रखना है, मेघालय और असम, मिजोरम, त्रिपुरा को। ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275 और 6ठी अनुसूची के तहत कवर किए गए हैं। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, और तथा इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता के लिए स्वायत्त जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों को अपने क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी देती है। आप देखेंगे वर्तमान में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदें सम्मिलित हैं। इसमें आप देखेंगे 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान भी किया गया है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। यदि ये एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकती है, ये सभी राज्यपाल के पास शक्ति है। 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद केंद्रीय राज्य संरचना के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को निर्देशित करने में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। अगर बात करें 6ठी अनुसूची के लाभ क्या है आखिर, तो इसमें देखेंगे 6ठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेष अधिकार की रक्षा करती है, और 6ठी अनुसूची आदिवासी समुदाय को काफी स्वायत्तता भी एक तरह से उनकी रक्षा भी करती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी भी प्रदान करती है। ये आपकी 6ठी अनुसूची के लाभ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 6ठी अनुसूची से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि 6ठी अनुसूची गैर आदिवासी निवासियों के खिलाफ विभिन्न तरीकों से भेदभाव करती है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करती है। यथा आप देखेंगे विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव के खिलाफ अधिकार
अनुच्छेद 15, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत। एक बात और आपको बताऊं, आपके जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से आपके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इन सबको आपको कंठस्थ याद रख लेना है, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको सामान्य जानकारी के लिए भी याद होना चाहिए, तो आप लोग इन्हें जरूर याद रखिए। सीमांत वर्गों के लिए वास्तव में विशेष संविधानिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ की गई ऐतिहासिक गलतियां नहीं दोहराई जाए, लेकिन इसमें गैर आदिवासियों को न्याय से वंचित कर दिया है, जो पीढ़ियों में से मेघालय में रहते आए हैं, आवासीय पर चले गए हैं। मेघालय की केएसयू जैसे संगठनों द्वारा की गई हिंसा ने राज्य में के कई गैर आदिवासियों को बाहर कर दिया। इस तरह से आप समझिए कि इस तरह की कई पार्टियां हमारे देश में मिल जाएंगी, उनका उद्देश्य अपनी जाति को देखना होता है, बाकी जातियों को बाहर में जाने देना होता है, समझ रहे हैं आप लोग? उन्हें देश की राष्ट्रीयता से मतलब नहीं है, देश में एकता अखंडता और शांति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने मतलब से मतलब रहता है। विद्वानों का यह भी कहना है कि छठी अनुसूची को अल्पसंख्यक आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए शामिल किया गया था, लेकिन मेघालय जैसे राज्यों में आदिवासी बहुल रूप से है, और जहां 90% विधानसभा सीटें मेघालय में 60 में से 55% आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई है, 90, ठीक है, 90 में से। इसलिए वास्तव में अब अल्पसंख्यक गैर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षा की आवश्यकता है, और आप देखेंगे अतः नीति निर्माताओं को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों को फिर से मूल्यांकित करने पर विचार करना होगा। आप देखेंगे आर्टिकल 371 में कुछ प्रावधान किए गए हैं इन सभी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ठीक है। तो यही कहानी है आपकी छठवीं अनुसूची की। याद रखिए छठवीं अनुसूची केवल आपकी असम और इन बाकी, इसमें असम आपका होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, लेकिन जो पांचवी अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पूरे देश के लिए एक तरह से व्यवस्था की गई है, ठीक है। और छठवीं अनुसूची में केवल आपके 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, याद रखिए। यही कहानी है आपकी छठी अनुसूची की।